हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? ये देखिए, यह है चुकंदर, मेरे घर का चुकंदर है। पापा इसको आगे थोड़ा सा जगह है, जो कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे, तो पापा इसको उसी में रोपे हुए थे। तो कल मैं इसको एक ठो निकाली थी, देख रही थी जाके, तो सब चुकंदर मतलब बाहर निकला हुआ है, मिट्टी के अंदर नहीं है, सब बाहर बाहर हो गया है, जिसमें सबसे बड़ा यही चुकंदर था। तो ऐसे अभी ये कबाड़ने लायक नहीं हुआ था, क्योंकि अभी देखिए ये मतलब इसमें पानी ज़्यादा है, ये थोड़ा और कड़ा कड़ा होता ना तब ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं सोची कि हम लोग तो अंदर बंद हो जाते हैं, तो अगर कोई रोड पे देखेगा तो कबाड़ के ले भागेगा, तो इसीलिए फ्रेंड मैं इसको कबाड़ ली। और कबाड़ ली तो इसको खाना भी बनता है, तो मैं इसको छील रही हूँ और छील के इसको काटूंगी। बच्चे उतने मन से नहीं खाते हैं, लेकिन देखिए ये सब चीज अच्छा किसी को नहीं लगता है। पता है, जितना भी फायदेमंद चीज होगा वो अधिकतर आदमी को सुनिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो फायदा करने वाला चीज नहीं है वो सबको अच्छा लगता है, तो ये अधिकतर आदमी को पसंद नहीं पड़ता है। मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। और जहाँ तक सबको पता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, तो मैं सोची कि ना आप लोग को भी दिखा दूँ और बता दूँ कि मेरे घर का चुकंदर है और इसमें खाने जा रही हूँ। पहले आप लोग को खिलाऊंगी फ्रेंड, ऐसा मत सोचिएगा कि पहले मैं ही खाऊंगी, पहले आप लोग को खिलाऊंगी उसके बाद मैं खाऊंगी। देखिए, इसको छील दिया। मेरे पापा ना हर चीज उपजा देते हैं, कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं रहता है, हर चीज उपजा देते हैं। इसको धो देती हूँ। तो फ्रेंड मैं इसको धो दी और अब इसको काट के देखती हूँ। गोल गोल काटे ना, और जो मेरी बेटी है वो तो थोड़ा बहुत डर से कहिए या मन से कहिए खा भी लेती है, लेकिन जो बेटा है मेरा इतना बदमाश है, अभी फ्रेंड कुछ नहीं वो खाता है। पता नहीं बड़ा होके खाएगा या नहीं खाएगा, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं वो खाता है। और मुझे लगता है हर चीज खाता, लेकिन क्या करूं, कुछ खाता ही नहीं है, मोटा मोटा कट जा रहा है। ये चाकू जो है ना थोड़ा पुराना हो गया है, तो उतना काम नहीं करता है फ्रेंड, तो ये मोटा मोटा कट जा रहा है, तो इसको अब मैं इतना ही रहने देती हूँ। इसको क्या है, चिलोही से पतला पतला काटूंगी और एक ठो में खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है, नमक लगा के खाऊंगी। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा किन किन को चुकंदर अच्छा लगता है और किन किन को नहीं अच्छा लगता है, दोनों लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मेरा
रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर बताइए। तो ये लीजिए, पहले आप लोग खाइए, पतला वाला तरफ से देते हैं, इधर से पतला है, लीजिए पहले आप लोग खाइए, मैं खा के बताती हूँ। अच्छा लग रहा है, मार्केट से ज्यादा अच्छा लग रहा है, मार्केट वाला इतना अच्छा नहीं लगता है, कुछ ज्यादा ही कड़वा लगता है, पता नहीं क्यों, पर ये अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, खा तो लिए चुकंदर, लेकिन जब होता है ना कि कुछ मुंह में आया तो ऐसे करते हैं, तो लग रहा है कि यहाँ कुछ चुभ रहा है और जल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कैसा लग रहा है, इसीलिए कोई चुकंदर खाना नहीं चाहता है, खाने के बाद अच्छा नहीं लगता है, इसमें गजब लग रहा है। पर देखिए, आज मैं कुछ डिब्बा धोई थी, ये सब धोई थी, ये सब, और डिब्बा में ऊपर रखी हुई हूँ ये सब। आज किचन, मतलब समझिए कि किचन साफ की थी, देखिए इधर भी सब सरिया के रखी हुई हूँ साफ करके। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो बस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, आज के लिए बस इतना ही। परछाई लग रहा है ना, जैसे गंदा है, ऐसे लग रहा है ना, गंदा जैसा लग रहा है, ऐसे कर ले रहा है, देखिए लग रहा है कि गंदा है, अजब परछाई से वैसा लग रहा है, देखिए अब नहीं ना, अब ऐसे करेंगे, देखिए अजीब सिस्टम है। अगर अनजाने में कोई, आप ही लोग देखिएगा तो बोलिएगा सोफा का कवर कितना गंदा रखी हुई है, लेकिन नहीं, गंदा नहीं है फ्रेंड, परछाई से ऐसा लग रहा है, देखिए अभी लग रहा है ना, फिर देखिएगा नहीं लगेगा, नहीं लग रहा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।